लोग इसे माने या ना माने, लेकिन ये सच है कि धरती पर दूसरे ग्रह के लोग आकर चले गए हैं और वो आते रहते हैं। और ये भी सच है कि वो धरती पर किसी अनजानी जगह पर रहते भी है। वैज्ञानिक इन्हीं सभी बातों पर रिसर्च कर रहे हैं। कई रिसर्च और खोजबीन के चलते ही साइंटिस्ट और आर्कियोलॉजिस्ट ने हिमालय की बहुत सी अनसुलझी जगहों की खोज की है। और ऐसा माना जाता है कि शायद इन जगहों का कनेक्शन कहीं ना कहीं एलियन से ज़रूर हो सकता है। हिमालय में एक पर्वत है जो माउंट एवरेस्ट से भी छोटा है, लेकिन फिर भी आज तक उस पर्वत पर कोई भी चढ़ाई नहीं कर पाया है। और ऐसे ऐसे तपस्वी मौजूद है जो कि टेलीपैथी के जरिए बात करते हैं और लोगों को मारकर खाते हैं। तो चलिए दोस्तों जानते हैं ऐसे ही हिमालय से जुड़े अनसुलझे रहस्यों के बारे में, जो सचमुच आपको बहुत ही ज़्यादा हैरान कर देंगी। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करना ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए। क्या हिमालय में रहते हैं एलियंस? विश्व भर के वैज्ञानिक ये मानते हैं कि धरती की कुछ जगहों पर एलियंस छुप कर रहते हैं, और उन जगहों में से एक हिमालय को माना जाता है। भारतीय सेना और वैज्ञानिक इस बात को स्वीकार नहीं करते, लेकिन वो अस्वीकार भी नहीं करते। भारतीय सेना और भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी ITBP की यूनिटों ने सन 2010 में जम्मू और कश्मीर के लद्दाख इलाके में उड़ने वाली अनजान वस्तुओं यानी UFO को देखे जाने की खबर दी थी, लेकिन बाद में इस खबर को दबा दिया गया। लेकिन हिमालय के आसपास रहने वाले लोगों ने और सेना ने हिमालय के पहाड़ियों पर उड़न तश्तरी यानी UFO देखे जाने का दावा किया है। और बहुत से वैज्ञानिक और आर्कियोलॉजिस्ट का ये मानना है कि हिमालय की खून जमा देने वाली ठंडी में इंसान नहीं रह सकता, इसलिए शायद वहाँ एलियंस छुप कर रहते होंगे। कई साइंटिस्ट का ये भी मानना है कि हिमालय की पहाड़ों पर एलियंस का सीक्रेट बेस है जहाँ वो रहते हैं, और हिमालय के बहुत से पहाड़ों के अंदर उनका पूरा एक शहर बसा हुआ है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि हिमालय में एलियंस रहते होंगे या नहीं, कमेंट में ज़रूर बताना। कैलाश पर्वत, इसे दुनिया का सबसे बड़ा रहस्यमय पर्वत माना जाता है। इसे अप्राकृतिक शक्तियों का केंद्र भी माना जाता है। कई वैज्ञानिकों का मानना है कि ये पर्वत का आकार किसी पिरामिड के जैसे है। वैज्ञानिकों के अनुसार ये धरती का केंद्र है। ये एक ऐसा भी केंद्र है जिसे एक्सिस मुंडी कहा जाता है। एक्सिस मुंडी यानी दुनिया की नाभि। रशिया के वैज्ञानिकों के अनुसार एक्सिस मुंडी वो स्थान है जहाँ अलौकिक शक्ति का प्रवाह होता है और आप उन शक्तियों के साथ संपर्क कर सकते हैं। भले ही कैलाश पर्वत माउंट एवरेस्ट से छोटा हो, लेकिन आज तक कैलाश पर्वत पर कोई भी चढ़ाई नहीं कर पाया है। और ऐसा माना जाता है कि कैलाश पर्वत के 24 घंटे दुनिया के एक महीने के बराबर होते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि जैसे ही कोई कैलाश पर्वत पर चढ़ना शुरू करता है तो उसके बाल और नाखून बड़ी तेजी से ग्रो करते हैं। यह तो कुछ भी नहीं, मैंने कैलाश पर्वत के रहस्यों पर एक पूरी वीडियो बनाई है, जिसे देखने के बाद आप ज़रूर हैरान हो जाओगे। यदि आप कैलाश पर्वत या मानसरोवर झील के क्षेत्र में जाएंगे तो आपको लगातार एक आवाज़ सुनाई देंगी, जैसे कि कहीं आसपास में एयरप्लेन उड़ रहा हो। लेकिन ध्यान से सुनने पर यह आवाज़ डमरू या ओम की ध्वनि जैसी होती है। वैज्ञानिक कहते हैं कि हो सकता है ये आवाज़ बर्फ के पिघलने की हो। यह भी हो सकता है कि लाइट और साउंड के बीच इस तरह का मेलजोल होता है कि यहाँ से ओम की आवाज़ सुनाई देती है। कैलाश पर्वत और उसके आसपास के वातावरण पर अध्ययन कर चुके रशिया के वैज्ञानिकों ने जब तिब्बत के मंदिरों में धर्म गुरुओं से मुलाकात की तो उन धर्म गुरुओं ने बताया कि कैलाश पर्वत के चारों ओर एक अलौकिक शक्ति का प्रवाह है, जिसमें तपस्वी आज भी आध्यात्मिक गुरुओं के साथ टेलीपैथी के जरिए संपर्क कर सकते हैं। ये पर्वत मानव निर्मित एक विशालकाय पिरामिड है जो 100 छोटे पिरामिडों का एक केंद्र है। रामायण में भी इसके पिरामिड नुमा होने का उल्लेख मिलता है। और दोस्तों, ये हम सबको पता है कि जहाँ जहाँ पिरामिड होता है उसका कनेक्शन कहीं ना कहीं एलियन से ज़रूर होता है। कैलाश पर्वत के आसपास यति यानी ही मानव को देखे जाने की चर्चाएं होती रहती है। इन यति का वास हिमालय में होता है। लोगों का कहना है कि हिमालय पर यति के साथ
भूत और योगियों को देखा गया है जो लोगों को मारकर खा जाते हैं। आखिर ये सभी बातें क्या सच है? अगर है तो ये यति कौन है और वहाँ के तपस्वी टेलीपैथी के जरिए बात कैसे कर सकते हैं? और आज तक कैलाश पर्वत पर आखिर कोई क्यों नहीं चढ़ सका? क्या कैलाश पर्वत सच में कोई पिरामिड है? ऐसे बहुत सारे सवाल है जिनका जवाब किसी के पास भी नहीं है। तो क्या सच में आज भी हिमालय में एलियंस रहते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर आज भी वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे हैं। लेकिन क्या पता ये बात सरकार को पता हो, लेकिन सरकार आम जनता से छुपाए हुए है। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हो हिमालय के बारे में कमेंट में ज़रूर बताना, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं और एक ऐसे ही मिस्टीरियस से भरे पड़े नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।